नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने किस योजना के तहत 2.5 करोड़ ग्रामीण घरों को जल नल कनेक्शन दिया है? ए जल जीवन मिशन, बी जल जीवन बचाओ, सी जल जीवन सुरक्षा या डी जल जीवन हरियाली। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नवगछिया, नहाय खाय के साथ शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ खरना आज। लोक आस्था का महापर्व छठ बुधवार को नहाय खाय के साथ आरंभ हो गया। बुधवार को नवगछिया के विभिन्न गंगा घाटों पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। नवगछिया के जाह्नवी गंगा घाट पर नौगछिया सहित पूर्णिया, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिले से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आए हुए थे। गंगा घाट पर व्रती महिलाओं ने गंगा स्नान कर गंगा मैया की आराधना की एवं जल भर कर घर ले आई। इसके बाद व्रती महिलाओं ने कद्दू भात बनाया और उसे ग्रहण किया। इधर छठ त्योहार को लेकर नौगछिया बाजार में भी पूरे दिन बाजार गुलजार रहा। बाजार में पूरे दिन छठ पूजा में लगने वाले सामग्री की दुकान सजी हुई थी। पर्व को लेकर खरना पूजा की तैयारी को लेकर लोगों ने पूजन सामग्री की खरीदारी की। इसके अलावा छठ पूजा में लगने वाले सूप, नारियल, टाव, केला, पानी फल सहित अन्य सामग्री की खरीदारी की। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। नवगछिया के जगतपुर में युवकों ने की घाट की साफ सफाई। नवगछिया के जगतपुर गांव में इस बार गांव के युवकों ने विभिन्न जगहों पर घाट बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। युवकों का नेतृत्व गांव के मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप यादव कर रहे हैं। प्रदीप यादव ने कहा कि घाटों पर प्रकाश की बेहतर व्यवस्था की जाएगी और रास्ते को भी सुगम बनाया जाएगा। घाट बनाने में गाँव के कई युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ घाट बनाने की तैयारी जोरों पर। कांच ही बांस के बाहंगिया के भक्तिमय गीत से माहौल हुआ भक्तिमय। लोक आस्था के महापर्व छठ के अर्घ देने हेतु तालाबों, धारों व अपने अपने दरवाजे पर श्रद्धालुओं द्वारा घाट बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बुधवार को कद्दू भात के साथ लोक आस्था के महापर्व की विधिवत शुरुआत हुई। पर्वतरी महिलाओं द्वारा गंगा स्नान कर नियम निष्ठा के साथ आम की लकड़ियों से मिट्टी के नए चूल्हे पर कद्दू व भात बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर परिवार के अन्य सदस्यों के बीच वितरण किया गया। युवाओं द्वारा छठ घाटों का निर्माण किया जा रहा था। नारायणपुर छठ पर्व पर गंगा घाट का अधिकारियों की टीम ने किया निरीक्षण। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बुधवार को वीडियो हरिमोहन कुमार सीओ, अजय सरकार, थाना प्रभारी नीरज कुमार, उप प्रमुख अशोक कुमार यादव, बाबू साहब, रंधीर मंडल के साथ चिन्हित छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। गंगा किनारे नवटोलिया, मथुरापुर, बल्हा, चक्रामी के साथ भमरपुर, बिरबन्ना, नगरपारा, दक्षिण पोखर, भवानीपुर, कोसी धार, पहाड़पुर, रायपुर, बुरनाहा धार सहित अन्य घाटों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जहां ज्यादा पानी है प्रशासनिक स्तर पर जन प्रतिनिधियों के सहयोग से बांस की बैरिकेटिंग देने की बात कही गई। ढोलबजा, कदवा के बाजारों में छठ व्रतियों की उमड़ी भीड़। 200 रुपए टोकरी, 140 रुपए बिका नारियल। बुधवार को लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाय के साथ कद्दू भात से होते ही छठ व्रतियों की भीड़ कदवा व ढोलबजा के बाजारों में उमड़ पड़ी, जहां छठ व्रतियों को 120 से 200 रुपए टोकरी, 140 रुपए जोड़ा नारियल, 50 रुपए दर्जन केला व 80 रुपए में एक डाला सूप की पूजा सामग्री को खरीदते हुए देखा गया, जिसमें सेब, खीरा, छोटा नींबू, शकरकंद, बोरा, मूली पौधा समेत हल्दी, अदरक की एक गांठ व अन्य सामग्री भी शामिल थे। इससे पहले छठ व्रतियों ने अपने अपने घर आंगन की साफ सफाई कर गोबर से चौका भी लगाया। उसके बाद कद्दू भात की भोग लगाई। वहीं छठ व्रतियों द्वारा गुरुवार को खरना के दिन घर के देवी को पहला अर्घ अर्पित किया जाएगा।
गणतंत्र दिवस परेड के लिए सराफ कॉलेज नौगछिया की स्वयं सेविका आर्या कश्यप का हुआ चयन, आगरा में मिलेगा प्रशिक्षण। दिल्ली में 26 जनवरी 2021 को होने वाले गणतंत्र दिवस परेड के लिए नौगछिया स्थित बनारसी लाल सराफ कॉमर्स कॉलेज की स्वयं सेविका आर्या कश्यप का चयन विश्वविद्यालय स्तर पर किया गया है, जिसे 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक आगरा के बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित शिविर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद चयन प्रक्रिया पूरी होने पर इसे गणतंत्र दिवस परेड के रिहर्सल में शामिल किया जाएगा। उपरोक्त जानकारी तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार के हवाले से बनारसी लाल कॉलेज कॉमर्स कॉलेज के प्रवक्ता राजेश कनोडिया ने दी है। गोपालपुर के लतरा में भूसा में लगी आग, कई सामान जलकर हुआ राख। गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा गांव में बुधवार की सुबह भूसा में आग लग जाने से फूलो यादव का भूसा सहित उसमें रखे सामान जलने की सूचना मिली। फूलो यादव ने बताया कि सुबह भूसखार में देखा तो धुआं निकल रहा था, धीरे धीरे आग भयावह हो गया। वहीं ग्रामीण सह उप सरपंच विभास यादव ने बताया कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि ग्रामीणों द्वारा अथक प्रयास के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा था। ग्रामीणों द्वारा गोपालपुर सीओ थाना प्रभारी को सूचना दी गई। प्रशासनिक पदाधिकारी को सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी को घटनास्थल पर भेजा गया। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773-9403-67-170। लगातार हत्या से दहला नवगछिया, तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली। इन दिनों नौगछिया अनुमंडल में अपराधियों द्वारा हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने से आम लोगों में दहशत व्याप्त हो गया है। कदुआ ओपी में शौच को गए किसान राजू राय की गला रेत कर हत्या कर सबको खेत में फेंक देना तथा इस्माइलपुर के बिजली दियारा में वर्चस्व को लेकर अंधाधुंध फायरिंग कर कल्लू मिश्रा की हत्या से आम लोगों में दहशत व्याप्त हो गया है। घटना के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हत्या के बाद सबका पोस्टमार्टम भी ही अभी तक पुलिस कराने में सफल हो पाई है। एक सप्ताह पूर्व इस्माइलपुर के प्रकाश मंडल की गोली मारकर हत्या, वो पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, परंतु अभी तक एक भी बदमाश की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर मुजरिमों को जेल की सलाखों में डाला जाएगा। नवगछिया दियारा, दो दबंगों बदमाशों के गुटिया संघर्ष में कल्लू की हुई हत्या। नवगछिया के इस्माइलपुर के बिजली दियारा में रविवार की दोपहर को दो गुटों में हुई अंधाधुंध फायरिंग में कल्लू नामक अपराधी की हत्या के मामले में तरह तरह की चर्चा लोगों की जुबान पर है। कहा जाता है कि टुन्ना यादव व प्रवीण यादव के गिरोह द्वारा गंगा नदी के धार से निकली उपजाऊ जमीन व कोल्ड आप पर वर्चस्व को लेकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। कुछ साल पूर्व कुख्यात प्रवीण यादव की हत्या प्रतिद्वंदी गुट द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार इन दिनों दियारा में कल्लू भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, जिस कारण वह आए दिन दियारा में देखा जाता था, जो कि पूर्व में स्थापित बदमाशों को नागवार लग रहा था। मिली जानकारी के अनुसार कल्लू के पास पुलिस की लूटी हुई दो राइफल था, जिसे हत्या कर बदमाशों ने अपने कब्जे में कर लिया है। क्या हो गया ढोलबज्जा के रामपुर में, 8 साल में दर्जन भर लोगों की लीवर जॉन्टिस से हुई मौत। ढोलबज्जा पंचायत अंतर्गत रामपुर गांव में लगातार 10 वर्षों से लीवर जॉन्टिस बीमारी ने अपना कहर बरपा दिया है।
गत मंगलवार को रामपुर निवासी छोटे लाल शाह के पुत्र सौरभ कुमार 30 वर्षीय की मौत जॉन्डिस से हो गई। 2 साल पहले सौरभ की मां व करीब 10 महीने पहले उसके पिता की मौत जॉन्डिस से हो गई थी। सौरभ इकलौता बेटा था, उसकी मौत से अब उनके घर का चिराग ही बुझ गया है। ज्ञात हो कि 8 साल के अंदर ढोलबजा के रामपुर गाँव में दर्जन भर लोगों की असमय मौत जॉन्डिस से हो गई है, जिसमें मृतक के रूप में राजकिशोर यादव, उमेश पंडित, दिनेश पंडित, पूरत शाह, श्यामा देवी, इंदेश्वरी देवी, दिलचंद्र शाह, मुक्ति शाह, कविता देवी, राम कुमार, भवेश कुमार व अमरकांत पंडित हैं। अभी भी अमरकांत पंडित के एक लड़के जॉन्डिस से पीड़ित हैं, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं ढोलबजा के रामपुर गांव में लगातार बढ़ रहे जॉन्डिस बीमारी के प्रकोप से एक के बाद एक ही हो रही मौत से वहां के ग्रामीण डरे सहमे गुजर बसर कर रहे हैं। ग्रामीणों में कुमार रामानंद सागर, प्रमोद शाह, प्रदीप शाह व राहुल कुमार के साथ अन्य स्वास्थ्य विभाग से इस बीमारी की जाँच पड़ताल कर मदद की आस लगाए बैठे हैं। कदवा के किसान राजू राय के हत्यारों का तीसरे दिन भी नहीं चला पता। कदवा पुलिस एड़ी चोटी एक कर मामले की कर रही तफ्तीश। बीते सोमवार की अहले सुबह कदवा के बोड़बा टोला निवासी वृद्ध किसान राजू राय की हत्या के 3 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस को हत्यारों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस घटना के कारणों व हत्यारों का पता लगाने के लिए अपना एड़ी चोटी एक कर मामले की तफ्तीश कर रहा है। घटना के बारे में थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने पत्रकारों को बताया कि राजू राय की हत्या को लेकर कई अहम सुराग मिले हैं, जिस पर छानबीन कर जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं एसी नन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर, संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 9303467170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।